क्या आप डेंगू या ऐसे ही किसी फीवर की वजह से हो रहे हेयर फॉल से परेशान हैं? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। एंड तक देखते रहिए क्योंकि आपको इस हेयर फॉल से निपटने के लिए ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर मनाली शाह, क्लियर स्किन एंड हेयर एमडी क्लिनिक पुणे से। आज हम बात करेंगे डेंगू के कारण होने वाले हेयर फॉल और उसके रेमेडीज के बारे में, उसके सॉल्यूशंस के बारे में। डेंगू एक सीरियस वायरल इन्फेक्शन है और यह सिर्फ फीवर ही नहीं बल्कि आपके हेयर हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले डेंगू क्या है ये देखेंगे। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड होता है, खासकर एडीज एजिप्शी मॉस्किटो। इस इन्फेक्शन के सिम्टम्स में हाई फीवर, सीवियर हेडेक, पेन बिहाइंड आईज, जॉइंट्स, जॉइंट पेन एंड मसल पेन, रैश और सीवियर केसेस में ब्लीडिंग एंड ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है। अब बात करते हैं डेंगू और हेयर हेल्थ की। जब आपका बॉडी डेंगू वायरस से फाइट करता रहता है तो आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इससे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो सकती है क्योंकि आपका बॉडी इन्फेक्शन से रिकवर होने के लिए ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स डिमांड करता है। ये सब हेयर फॉलिकल्स को वीकन कर देता है जो हेयर फॉल का कारण बनता है। डेंगू के बाद हेयर फॉल का मेन रीजन टिलोजन एफ्लुएम है, जिसमें हेयर ग्रोथ साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है और ज़्यादा बाल एक साथ गिरने लगते हैं। डेंगू के दौरान आप अपने बालों को कैसे बचा सकते हैं? सबसे पहले चीज़, इन्फेक्शन से बचने के लिए प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स लेना जरूरी है, जैसे कि मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज, फुल स्लीव्स कपड़े पहनना और मॉस्किटो फ्री एनवायरनमेंट मेंटेन करना। अगर आपको डेंगू हो जाए तो ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रेशन, पानी, कोकोनट वाटर, ORS सॉल्यूशन पीते रहिए, जैसे हाइड्रेशन की वजह से आपका डेंगू रिकवरी फास्ट होगा। न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, जिसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल रिच फूड कंज्यूम करें आप, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स का इन्वॉल्वमेंट हो। स्ट्रेस अवॉइड करें, यस, स्ट्रेस भी हेयर फॉल को वर्स कर सकता है। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हेल्पफुल हो सकती है। अब बात करते हैं कुछ इफेक्टिव होम रेमेडीज के बारे में जो आप डेंगू के बाद हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल को स्काल्प पर लगाएं और 30 मिनट्स के लिए छोड़ दें। यह स्काल्प को स्मूथ करेगा और हेयर फॉल कम करने में हेल्प करेगा। ऑनियन जूस को स्काल्प पर लगाने से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट होती है। ऑनियन जूस को 15 टू 20 मिनट्स के लिए लगाएं बालों के ऊपर, स्काल्प के ऊपर, और फिर माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश करें। कोकोनट ऑयल, वार्म कोकोनट ऑयल से स्काल्प मसाज करने से हेयर फॉलिकल्स टेंडन हो जाते हैं, हेयर फॉल रिड्यूस होता है, और ओवरनाइट लगा के सुबह आप वॉश कर सकते हो। आंवला पाउडर ये बहुत ही गुणकारी रहता है, जिसमें विटामिन सी रहता है और कोलेजन प्रोडक्शन ग्रोथ रीजनरेशन के लिए हेल्प करता है, तो हेयर ग्रोथ को भी ये प्रमोट करता है। अगर यह हेयर फॉल होम रेमेडीज से इम्प्रूव ना हो तो कुछ क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है जो आप कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। इसमें आपके खुद के ब्लड से प्लेटलेट एक्सट्रैक्ट करके स्काल्प में इंजेक्ट किया जाता है। यह हेयर फॉलिकल्स को नरिशमेंट और स्टिमुलेशन देते हैं। नेक्स्ट है मीजोथेरेपी। इस ट्रीटमेंट में विटामिन, मिनरल्स, पेप्टाइड्स, स्टेम सेल्स प्रोडक्ट्स ये डायरेक्टली स्काल्प में इंजेक्ट किए जाते हैं, हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट किया जाता है। नेक्स्ट है लेजर थेरेपी, लो लेवल लेजर लाइट थेरेपी, जिससे हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट होती है और यह पेनलेस ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट है मेडिकेशंस। डॉक्टर की गाइडेंस से मेनोक्सिडिल, फिनास्टराइड जैसी मेडिकेशंस भी यूज की जा सकती है, बट डर्मेटोलॉजिस्ट की एडवाइस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके हेयर फॉल का प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस है और होम रेमेडीज और इनिशियल ट्रीटमेंट से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो एक हेयर फॉल स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। वो आपके स्काल्प की जांच करेंगे, हेयर ट्राइकोस्कोपी से एग्जामिन करेंगे और फिर उस हिसाब से आपका एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान सजेस्ट करेंगे।
तो यह थी आज की डिटेल डिस्कशन ऑन हेयर फॉल ड्यू टू डेंगू। याद रखें, प्रिवेंशन और अर्ली इंटरवेंशन इज द की। अगर आपको और कोई भी डाउट है या हेयर फॉल से रिलेटेड फर्दर हेल्प चाहिए तो हमारे क्लिनिक्स में विजिट करिए। आपकी हेयर हेल्थ के लिए हम यहाँ हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग और आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।